children, how are you? Fine. Now today we are going to start chapter 1, where to look from. Where to look from, कोई भी चीज हो आप कहाँ से भी देखते हो, हम आई से देखते हैं ना, जो भी चीज देखते हैं वो हर तरफ से देखते हैं. तो यहाँ पे जो है वो फर्स्ट जो है वो आपको चीज कहाँ से हम देखते हैं, डिफरेंट व्यू. कोई भी चीज हम सामने से देखते हैं, पीछे से देखते हैं, तो कैसे देखते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट व्यूज ऑफ ऑब्जेक्ट है. टॉप व्यू है, साइड व्यू, फ्रंट व्यू एंड बैक व्यू. कोई भी चीज आप देखोगे, एनी ऑब्जेक्ट लुक डिफरेंटली इन शेप एंड साइज व्हेन यू सी देम. कोई भी आप ऑब्जेक्ट को अलग अलग व्यू से आप देखोगे तो उसकी जो साइज है, वो शेप है, वो आपको कैसा लगेगा, डिफरेंट लगेगा, राइट. तो यहाँ पे जो फर्स्ट टॉपिक है वो आपका वही है. यहाँ पे टीचर्स ने क्या दिया था, ड्रॉ करने के लिए दिया था, क्या दिया था, कार ड्रॉ करने दिया था. तो जो धीरज है, वो धीरज ने कार ड्रॉ की, वो उसका उसने इस तरह से कार को ड्रॉ किया. और अंशुल ने जो है वो इस तरह से किया. वाई? बिकॉज अंशुल जो था वो धीरज था, जो था वो घर के ऊपर था और गाड़ी जो कार थी वो नीचे थी, तो उसको कार ऊपर से जिस तरह से दिखाई दी उसी तरह से उसने ड्रॉ किया. और अंशुल नीचे था, उसको सामने से जिस जहाँ पे वो खड़ा था वहां से उसको कार का जैसा व्यू दिखाई दिया उसने वैसा किया. तो धीरज ने जो ड्रॉ किया वो टॉप व्यू ड्रॉ किया है, और जो अंशुल ने जो ड्रॉ किया है वो उसका साइड व्यू ड्रॉ किया है. एंड मैं आपको प्रैक्टिकली सब बताती हूँ. फिर यहाँ पे टेबल दिया है, जो टेबल है आप टेबल को सामने से अगर देखो देखो उसका साइड व्यू आपको दिखेगा, बट ऊपर से अगर आप उसको देखोगे तो उसका ऊपर का ओनली आपको टॉप व्यू दिखाई देगा, है ना. फिर यहाँ पे नीचे सब ऑब्जेक्ट आपको दिए हैं, प्रेशर कुकर दिया है, स्लीपर दिया है, फिर पंपकिन दिया है, कपबोर्ड दिया है. तो उसका जो दिया है वो क्या है, उसका फ्रंट व्यू है, सामने से दिखाई देता है सब. बट अगर उसका टॉप व्यू ड्रॉ करना है तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, टॉप से उसका उसको आपको देखना पड़ेगा. अगर टॉप से देखोगे और जो वो जैसा दिखाई दे ऐसा आपको ड्रॉ करना पड़ेगा. तो यहाँ पे मैं आपको पीडीएफ भेजूंगी, वहाँ पे सब ड्रॉ किया हुआ है. यहाँ पे टॉप व्यू उसका दिखाई देता है, दिखाई देता है. उसी तरह से पीछे जो है वो आपकी यहाँ पे भी आपको सम व्यूज दिखाई दिए, जैसे कि स्टेयरकेस है. तो स्टेयरकेस का ये कौन सा व्यू हुआ, इसको हम साइड से देखेंगे तो आपको ऐसी दिखाई देगी. तो ये है उसका साइड व्यू. फिर सामने से अगर हम स्टेयरकेस के ऊपर ऊपर जाने के लिए खड़े रहते हैं तो वो आपका फ्रंट व्यू दिखाई देगा. उसी तरह से टेबल जो है यहाँ पे उसका टॉप व्यू है, राइट. फिर चेयर जो है वो चेयर को अगर हम सामने से देखें तो उसका फ्रंट व्यू, वहाँ पर यहाँ पे जो दिया है वो उसका साइड व्यू है. फिर पेंसिल है, पेंसिल आपको हाथ में पकड़ो और ऊपर से ऐसे देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, इस तरह का आपको व्यू मिलेगा, तो वो क्या है, टॉप व्यू है. और बस जो है, बस का भी वो क्या है, साइड व्यू है. अगर आगे से देखोगे तो उसका फ्रंट व्यू हुआ, अगर बस को हम पीछे से देखेंगे तो वो उसका बैक व्यू हुआ, राइट. अब आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं. जैसे कि ये आपकी कार है, राइट. तो अगर कार को आप अपने सामने रखोगे तो ये उसका जो है वो क्या हुआ, फ्रंट व्यू हुआ, राइट. अब फ्रंट व्यू में आप देखोगे तो आपको ओनली टू व्हील्स ही दिखाई देंगे, पीछे के टू व्हील्स आपको दिखाई नहीं देंगे. तो आप ऐसा बोलोगे कि कार के ओनली टू ही व्हील्स है, नो, है ना. बैक साइड से देखोगे ये उसका बैक साइड है, तो बैक साइड से देखोगे तो भी आपको ओनली टू व्हील दिखाई देंगे. तो आप ऐसा बोलोगे आगे के टू व्हील्स है ही नहीं कार के, है ना, पर वो आपको दिखाई नहीं देते क्योंकि आपने बैक साइड से देखा है. इसी तरह से ये साइड व्यू, तो साइड में भी इसी तरह से जो पीछे वाले जो व्हील है वो आपको नहीं दिखाई देंगे. तो इसी तरह से हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है, कभी कभी हमारे सामने वाला कोई कुछ बोलता है तो हम बस एक ही साइड उसका देखते हैं, पर उसकी दूसरी साइड वो क्या कहना चाहता है वो हम नहीं समझ पाते हैं. तो हमारी लाइफ में भी हमें सब
व्यू से देखना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि मैडम और मम्मी पापा सब हर बार हमें पढ़ाई के लिए टोकते हैं, तो आप उसी व्यू से देखते हैं कि बस हमें टोकते हैं, हमें करने के लिए बोलते हैं। बट उसका अगर आप मम्मी पापा के व्यू से अगर देखोगे तो आपको क्या लगेगा, आपको पता चलेगा कि वो आपकी अच्छाई के लिए, आपके भले के लिए बोलते हैं ना। अगर आप बड़े होंगे, अभी नहीं पढ़ाई करोगे, फिर बड़े होंगे तो फिर आपको कुछ आता नहीं होगा तो आप क्या करोगे। तो अभी इसीलिए मम्मी लोग आप लोगों को बोलेंगे, है ना। तो हर तरफ से हर का व्यू डिफरेंट होता है ना। इस तरह से अगर ये बॉटल का कैप है, राइट, तो अगर मैं ऊपर से देखूंगी तो ये उसका क्या हुआ, टॉप हुआ। बट उसको मैं साइड से देखूंगी तो आपको कितना दिखाई देगा, ऑनली इतना पार्ट आपको दिखाई देगा, पीछे वाला नहीं दिखाई देगा, राइट। समझ में आ रहा है। इस तरह से लंच बॉक्स, अभी आप तो नहीं आते हो ना, पर आपका लंच बॉक्स हम लेके आते हैं। हम स्कूल आते हैं तो हमें तो लंच बॉक्स लेके आना पड़ता है ना। हाँ, तो ये लंच बॉक्स है। तो लंच बॉक्स में देखो, ये इसका क्या हुआ, साइड व्यू हुआ, राइट, और ये उसका क्या हुआ, टॉप व्यू हुआ। टॉप व्यू हुआ, ऊपर से देखोगे तो ये टॉप व्यू है, और नीचे से देखोगे तो ये उसका बैक व्यू हुआ, राइट। तो इस तरह से आपको व्यू देखना है। सेकंड टॉपिक इसमें है रंगोली। रंगोली आप सब दिवाली पे रंगोली करते हो ना। पहले के जमाने में इसी तरह से ऐसी डॉट वाली रंगोली आती थी, सब डॉट से ही करते थे। कोई अभी जो है वो अरेबियन मेहंदी जो है, अरेबिक करते हैं सब, जो भी पिकॉक ड्रॉ किया, कोई भी सीन ड्रॉ कर लेते हैं बराबर। पर पहले के ज़माने में ऐसे डायरेक्टली कोई नहीं करता था, पहले के ज़माने में ऐसे डॉट करते थे और डॉट से फिर शेप बनाते थे, रंगोली बनाते। तो यहाँ पे सम पिक्चर्स आपको दिया है, आपको इसी तरह से यहाँ पे बनाना है। तो समझ में आया, दोनों साइड कैसा होना चाहिए, मिरर हाउस होना चाहिए। यहाँ पे देखो सब साइड सेम है ना। तो इसी तरह से डॉट टू डॉट आप मिलाते जाओगे तो आप उसके ऊपर ड्रॉ कर पाओगे। जैसे कि अगर एक सेप मैं बनाऊं तो ये वन बना, फिर ये सेकंड, देन वो डॉट से आप भी पिक्चर्स जो है वो आप ड्रॉ कर सकते हो, कर सकते हो ना। इसी तरह से सेम आप कर सकते हैं, राइट, इस तरह से, राइट। देन पीछे आप देखो तो पीछे भी आपको बहुत सारे पिक्चर्स आपको दी गए। तो जैसे कि अगर ये मैंने लिया तो एक ये रंगोली हम बनाते हैं, तो किस तरह से आप बनाओगे, डॉट का यूज करके आपको रंगोली बनानी, इसी तरह से, राइट। उसी तरह से आप सेप भी बना सकते हो, जैसे कि ट्राइंगल, यहाँ पे ट्राइंगल्स और डिफरेंट शेप्स आपको बनानी है, तो इस तरह से आप ट्राइंगल भी बना सकते हो, है ना। तो यहाँ पे डिफरेंट आपको शेप ड्रॉ करना है, और यहाँ पे जो है वो आपको अपने आप कोई भी आप शेप ड्रॉ कर सकते हो। पीछे जो है वन ऑन द डॉट ग्रीक गिवन बिलो ड्रॉ द फॉलोइंग, और यहाँ पे काइट है, लीफ है, स्टार है, तो ये आपको डॉट को यूज करके ड्रॉ करना है। जैसे कि अगर हम काइट ड्रॉ करें तो काइट में हमें कैसा शेप चाहिए, पहले तो काइट में हमें स्क्वायर शेप चाहिए, तो क्या करना है, स्क्वायर शेप बनाया मैंने, फिर उसके नीचे मैंने क्या बनाया, ट्रायंगल शेप बनाया, एंड हमारी जो काइट है वो बन गई, राइट। इसी तरह से आप फ्लावर भी बना सकते हो। तो कैसे बनाओगे फ्लावर, यहाँ पे फ्लावर के लिए थोड़ी जगह, तो आप इस तरह से आप स्टार भी बना सकते हैं, इस तरह से आप स्टार भी ड्रॉ कर सकते हैं ना। तो इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट शेप आप ड्रॉ करके रंगोली बना सकते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम सिमेट्री लाइन देखेंगे, मिरर हाउस देखेंगे, वो सब देखेंगे। बाय बाय।